साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो कांग्रेस नेता विजय वेटिवार के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है। शहीद हेमंत करकरे को लेकर दिए बयान पर उज्जवल निकम ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और कांग्रेस को उसकी औकात दिखा दी। निकम ने साफ कह दिया कि तब भी कांग्रेस को कसाब की फिक्र थी और आज भी कांग्रेस को देश और देश के लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। अपने ऊपर लगे आरोपों का निकम ने ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद तो पूरे महाराष्ट्र कांग्रेस में सन्नाटा पसर गया है। तो आपको पूरा मामला दिखाते हैं, कांग्रेस नेता का बयान भी और निकम का जवाब भी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। दरअसल कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान से राज्य की सियासत में हंगामा मच गया है और काफी गहमा गहमी का माहौल भी देखा जा रहा है। वेटिवार ने दावा किया था कि राज्य के आतंकवादी निरोधी दस्ते ने पूर्व प्रमुख आईपीएस हेमंत करकरे को 2008 के मुंबई हमलों के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नहीं मारा था, बल्कि आईपीएस करकरे की हत्या जिस गोली से की गई थी वो कसाब या आतंकियों की तरफ से नहीं बल्कि आरएसएस समर्थित एक पुलिस अधिकारी के हथियार से लगी थी। अब वडेट्टीवार ने ये बयान तो दे दिया लेकिन इस बयान पर काफी हंगामा मच गया है और इस बयान पर अब उज्जवल निकम का भी जवाब आया है। जी हां, इस बयान पर उज्जवल निकम ने बड़ा पलटवार किया है जिसके बाद तो कांग्रेस की बोलती पूरी तरह बंद हो गई है। उज्जवल निकम ने कहा, कांग्रेस नेता क्या आरोप लगा रहे हैं, पाकिस्तान क्या कहेगा, पाकिस्तान ने कभी इससे इनकार नहीं किया क्योंकि हमने न्यायिक सबूत पेश किए, लेकिन हमारा आदमी राजनीति कर रहा है, आप सिर्फ प्रचार करना चाहते हैं, इससे निकम की बदनामी नहीं होगी, ये आपको ही बदनाम करेगा। निकम ने साफ साफ कहा कि जिस कसाब को पाकिस्तान खुद ने आतंकवादी माना, कांग्रेस नेता क्यों नहीं मान रहे। निकम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पहले भी कसाब की फिक्र थी और आज भी उस कसाब की जिसने मुंबई में कई निर्दोष लोगों को मौत की नींद सुला दिया। बीजेपी के उम्मीदवार उज्जवल निकम ने आगे कहा, मुझे दुख है कि एक विपक्षी नेता जो पूरी बात भी नहीं जानता, वो एक सिर्फ किताब पर विश्वास करके आधारहीन बयान दे रहा है। इसका मतलब है कि आप शहीद हेमंत करकरे का अपमान कर रहे हैं, न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं। निकम ने आगे कहा कि कसाब ने खुद कबूल किया था कि जब वो और उसका साथी कामा अस्पताल के बाहर पहुंचे तो उन्होंने एक पुलिस जीप देखी और उन दोनों ने गोलीबारी की जिसमें तीन पुलिस अधिकारी शहीद हो गए और उनमें से ही एक हेमंत करकरे भी थे। निकम ने कहा कि कांग्रेस नेता को शर्म आनी चाहिए जो बिना फैक्ट जाने हेमंत करकरे के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। यहाँ आपको बता दें, कांग्रेस नेता ने बयान पर विवाद बढ़ने के बाद में सफाई दी है और कहा है कि हेमंत करकरे की हत्या आतंकियों की गोलियों से नहीं हुई थी, ये बात पुलिस अफसर SM मुशरिफ की किताब में लिखी थी और मैंने उसी किताब के आधार पर अपना बयान दिया है। और उसी पर अब उज्जवल निकम ने भी पलटवार किया है और निकम ने कहा है, एक सिर्फ किताब के आधार पर किसी के शहीद होने पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है और ये कांग्रेस की गिरी हुई मानसिकता को दिखाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कांग्रेस किसी खास वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही है? क्या शहीद हेमंत करकरे की मौत पर सवाल उठाना सही है? क्या चुनाव में जीतने के लिए 26/11 हमले को बीच में लाना सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार के एक बयान से सियासत में हंगामा मच गया है। विजय ने दावा किया है कि राज्य के ATS के पूर्व प्रमुख IPS हेमंत करकरे को 2008 में मुंबई हमलों के दौरान कसाब की गोली नहीं लगी थी बल्कि उन्हें पुलिस वाले की गोली लगी थी। जी हां, विजय वडेट्टीवार ने बड़ा दावा किया है, बड़ा आरोप लगाया है कि IPS अधिकारी और शहीद हेमंत करकरे की हत्या जिस गोली से हुई थी वो कसाब या आतंकियों की तरफ से नहीं चली थी बल्कि RSS को समर्थित एक पुलिस अधिकारी की तरफ से चली थी। विजय वडेट्टीवार ने पूर्व ATS चीफ हेमंत करकरे का जिक्र करते हुए मुंबई उत्तर मध्य से BJP उम्मीदवार उज्जवल निकम पर हमला किया। वडेट्टीवार ने कहा कि बिरयानी का मुद्दा उठाकर निकम ने कांग्रेस को बदनाम किया, क्या कोई कसाब को बिरयानी देने की सोच भी सकता है? बाद में खुद निकम ने इसे स्वीकार कर लिया था, कैसा वकील है, गद्दार है जिसने कोर्ट में गवाही दी ही नहीं। विजय वडेट्टीवार ने आगे कहा कि जिस गोली से मुंबई पुलिस के अधिकारी हेमंत करकरे की मौत हुई वो कसाब की बंदूक से नहीं बल्कि RSS के वफादार पुलिस अधिकारी की गोली से चली थी। विजय ने सवाल उठाया कि अगर कोर्ट से ये सच छुपाने वाले गद्दार को BJP टिकट दे रही है तो यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि BJP इन गद्दारों का समर्थन कैसे कर सकती है और जनता की आंखों में इन गद्दारों के लिए क्यों धूल झोंकी जा रही है। अब इस मामले ने तूल पकड़ा तो विजय वडेट्टीवार के बयान पर BJP भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। BJP के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को खुश करने और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर
घेर सकती है। विनोद तापड़े ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय 26/11 के आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो इस हमले को भी क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या उनकी नज़र में ये हमला नहीं था? क्या आतंकी आए ही नहीं थे? क्या सब कुछ बना बनाया था? बीजेपी ने कहा कि शहीद हेमंत करकरे की मौत पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने अपनी पूरी गिरेबान दिखा दी है कि वो एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। विनोद तावड़े ने आगे कहा कि क्या आतंकियों का पक्ष लेते समय कांग्रेस को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आज पूरे देश को ये पता चल गया है कि क्यों कांग्रेस और शहजादे की जीत के लिए पाकिस्तान में भी दुआएं मांगी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस नेता ने एक शहीद की मौत पर सवाल उठाकर अपनी ही नजरों में गिरने का काम किया है। वो जनता की नजरों में क्या खाक उठेंगे? अब बीजेपी के इस जवाब के बाद वडेट्टीवार ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि वो शब्द मेरे नहीं है, बल्कि मैंने सिर्फ वही कहा जो एसएफ मुशरीफ की किताब में लिखा गया है। किताब में पूरी जानकारी थी कि जिस गोली से हेमंत करकरे की मौत हुई वो आतंकियों की नहीं थी बल्कि पुलिस ऑफिसर की थी। वडेट्टीवार ने आगे कहा कि हेमंत करकरे की हत्या के बारे में एसएफ मुशरीफ की किताब में जो लिखा था मैंने वही कहा, और इस किताब के हिसाब से उज्जवल निकम की ये साजिश थी जो आज तक एक सिर्फ सस्पेंस बनी हुई है। यहाँ पर वडेट्टीवार ने अपने बयान को घुमाने की काफी कोशिश भी की। तो कुल मिलाकर उज्जवल निकम पर सवाल उठाने के चक्कर में, उज्जवल निकम के विरोध करने के चक्कर में कांग्रेस ये भी भूल गई है कि हेमंत करकरे शहीद थे जो देश के लिए मुंबई में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे, और ऐसे शहीद की मौत पर सवाल उठाना कितना जायज है? क्या कांग्रेस वाकई में वोट बैंक के लिए ये सब कुछ कर रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर स्थित कस्तूर चंद पार्क में ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड की सलामी भी ली। उन्होंने महाराष्ट्र दिवस पर जनता एवं विश्व के सभी मराठी बंधुओं को शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील भी की। अब इसी दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने कहा कि विपक्षी पार्टियों को पढ़े लिखे समझदार लोग रास नहीं आ रहे हैं। अब अगर बीजेपी ने मशहूर वकील उज्जवल निकम को अपने साथ लिया है तो विपक्षी पार्टियां ये बात पचा नहीं पा रही है। फडणवीस ने कहा कि उज्जवल निकम को लेकर वो इतना खुन्नस में है कि उनकी जुबान से कंट्रोल खत्म हो चुका है। फडणवीस ने आगे कहा कि अब मैं निकम साहब के बारे में क्या बोलूं, उनके बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने कैसे देश के बड़े बड़े केस में पैरवी करके सच का साथ दिया और मुजरिमों को फांसी के तख्ते तक पहुँचाया, देश के दुश्मनों को कैसे उन्होंने न्याय के रास्ते सजा दिलवाई। अब उनके जैसा सांसद मुंबई नॉर्थ सेंट्रल को मिलता है तो ये भाग्य की बात होनी चाहिए, मगर संजय राउत सरी के लोगों को ये बात कहां समझ में आएगी? तभी तो वो अपनी बेतुकी बयानबाजी में निकम साहब को भी लपेट रहे हैं, जो कि बीजेपी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। फडणवीस ने कहा कि निकम साहब ने अपने जिंदगी में जिस मुकाम को हासिल किया है वो कानून की पढ़ाई करने वाले हर शख्स का सपना होता है। निकम साहब ने देश के लिए सालों तक सर्व किया, लोगों को कानून और न्याय की ताकत समझाई, और राउत जैसे लोग बोल रहे हैं कि उज्जवल निकम ने बीजेपी से सांसद का टिकट खरीदा है। फडणवीस ने कहा कि संजय राउत जैसे लोगों पर मुझे शर्म आती है जो खुद उज्जवल निकम के पैरों के जूते की धूल के बराबर नहीं है, वो ऐसी बेतुकी बातें करते हैं उनमें जरा भी शर्म और हया नहीं बची है। अब इस दौरान उद्धव ठाकरे को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि ये व्यक्ति हरदम बड़बड़ करता रहता है तो इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है।